कैसे हैं आप लोग? हम आज आपके सामने प्रस्तुत हैं अपने हिंदी पाठ्य पुस्तिका का जो पहला लेसन है, पहला अध्याय है, उसको लेकर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आपके हिंदी पाठ्य पुस्तिका का जो शीर्षक है वह है वसंत। वसंत शब्द का अर्थ होता है फूलों का गुच्छ। ऐसे तो वसंत एक ऋतु का भी नाम होता है, तो इसका दो दो अर्थ है। पहला है फूलों का गुच्छा और दूसरा प्रमुख रूप से हर जगह प्रयोग किए जाते हैं वह है एक ऋतु का। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, भारतीय ऋतु चक्र में कुल छह ऋतुएं होती हैं। ग्रीष्म, वर्षा, शरद, शिशिर, हेमंत और वसंत। तो उसी ऋतुओं में से एक है वसंत। पहला अध्याय है ध्वनि। इस पाठ्य पुस्तिका जो हमारे पाठ्यक्रम में शामिल की गई है वह है ध्वनि, जिसके जिसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को आप लोग जानते होंगे, इनकी रचनाओं को पढ़े होंगे। यह एक छायावादी कवि है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावादी कवि है। इन्हें कुछ लोगों ने, कुछ रचनाकारों ने हिंदी साहित्य के क्षेत्र में महाप्राण की उपाधि दी है। महाप्राण, हम इनके बारे में थोड़ी सी और आगे जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे ये मूल रूप से पैतृक रूप से थे उत्तर प्रदेश उन्नाव से, लेकिन इनका जन्म हुआ पश्चिम बंगाल खड़गपुर के पास है, एक मेदिनीपुर जिला, वहाँ मसीहा दल में इनका जन्म हुआ 28 फरवरी 1899। इनकी मृत्यु 15 अक्टूबर 1961 में हुई। मृत्यु स्थान प्रयाग अर्थात इलाहाबाद में, ठीक है। पूरा नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। हम आगे बढ़ते हैं आज के इस पाठ को लेकर के। तो अगला पाठ हम लोग है, पहला ही इस कविता की सबसे पहला जो पंक्ति है, अभी न होगा मेरा नाथ, अभी अभी तो आया है मेरे वन में हिंदू वसंत, अभी न होगा मेरा। प्यारे बच्चों, इस कविता को पढ़ने से पहले हम लोग यह जान लेते हैं कि कविताओं का हमारे जीवन में क्या रोल है, कौन कौन सी भूमिका है। अगर हम एक भाषा के रूप में कविता को पढ़ते हैं तो हम अपनी बातों को प्रभावशाली ढंग से किसी के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं और कम शब्दों में अधिक से अधिक बातें, तो कविताओं का बहुत बड़ा योगदान है। और एक दूसरे तौर पर हम देखें तो यहाँ उसकी और विविधता पाई जाती है। कविता वो है जो लोगों के मन में क्रांति की भावना जगा सके। कविता वो है जो परिवर्तन की लहर पैदा कर सके। कविता वो है जो हमारे दिलों में प्रेम का सागर भरते हैं, सबके लिए हमारे अंदर प्रेम की भावना को जागृत करते हैं, वह है कविता। हम इस कविता को शुरू करने से पहले इस कविता का मुख्य उद्देश्य बता देते हैं। कभी कभी होता क्या है कि हम लोग सब कुछ होते हुए भी किसी किसी बातों को लेकर हम लोग निराशा की तरफ बढ़ जाते हैं। निराशा कहने का मतलब है हमारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं भी होती है जिससे हम लोग दुखी हो जाते हैं। तो क्या हमारे जीवन का अंत वहीं तक होता है? एक बहुत बड़ा प्रश्न है। महाप्राण कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। इनके जीवन में एक एक करके माता पिता, पत्नी, यहाँ तक कि इनकी छोटी सी बेटी थी, उनका भी प्राणांत हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। इससे वह क्षुब्ध हो गए थे, दुखी हो गए थे, निराशा की घोर अंधकार में जा रहे थे, लेकिन उम्मीद नहीं छोड़े थे। जीवन में उम्मीद ही सबको जिंदा रखती है और उसी निराशा से बाहर आने के लिए इन्होंने इस कविता की रचना कर डाली, जो हमें और आपको बहुत अच्छी प्रेरणा देगी जीवन में कि कभी भी हम निराशा से अपने जीवन को समाप्त न करें, ठीक है। तो हम लोग इस कविता की तरफ वापस आते हैं। कविता है अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदु वसंत, अभी न होगा मेरा।
कभी जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इन्होंने इन पंक्तियों के माध्यम से हमें यह बताना चाहा है कि अभी मेरा अंत नहीं होगा, क्योंकि हमारे वन में, वन रूपी हमारे हृदय में, मन में अभी अभी तो वसंत का आगमन हुआ है, नए नए विचार आने शुरू हुए हैं। इस तरह से वसंत ऋतु में पेड़ पौधों पर नई नई कलियां, नई नई पत्तियां आने लगती है। तो कवि कह रहे हैं हमारे जीवन में भी उस तरह से नए नए विचार आने शुरू हुए हैं, नई नई उम्मीदें आने शुरू हुई है, जीवन का उमंग आना शुरू हुआ है, इसलिए मेरा अंत अभी नहीं होगा। अब प्यारे बच्चों, आप लोग यहाँ यह बात समझने के प्रयास करिए कि जो उस व्यक्ति का अंत निश्चित है जो अपने जीवन से निराश हो जाता है, जो अपनी उम्मीद खो देता है, जो जिनके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं होता है। तो सभी को अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए और उसी की तरफ अग्रसर बढ़ना चाहिए, पूरे जोश, पूरी उम्मीद, पूरे हर्ष के साथ, कि तब उस व्यक्ति के पास जिसके पास ये सभी तत्व मौजूद हैं उनका अंत कभी नहीं होगा, जैसे कवि कह रहे हैं। हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ है हरी हरी ये पार डालियां कलियां कोमल पत्र। प्यारे बच्चों, यहाँ हरे हरे शब्द जो है विशेषण शब्द है। अब किस इसका विशेषता क्या है, किस बात की विशेषता बता रहे हैं, पत्ते की, ठीक है। हरे हरे पत्ते कैसे हैं, हरे हरे डालियां कलियां कोमल पत्र। गात शब्द का अर्थ होता है शरीर, गात शब्द का क्या अर्थ होता है, शरीर। इन्होंने आगे कहा है मैं ही अपना स्वप्न मिलकर, कभी कहना चाहते हैं कि मैं खुद से ही अपने स्वप्न से, मृदुल स्वप्न से, मृदुल हाथों से, कर का अर्थ होता है हाथ, ठीक है ना, कर मतलब क्या होता है, हाथ भुजाएं, अपने सुंदर कोमल अपने हाथों से ये फेरूंगा नींद कलियों, नींद में सोए हुए जो कलियां हैं, नींद में सोई हुई कलियां हैं उन पर अपना कोमल हाथ फेर करके जगा दूंगा, ठीक है। जगा एक प्रत्युष मनोकर, ध्यान दीजिएगा यहाँ प्रत्युष का अर्थ होता है सवेरा, सुबह, प्रातः काल। प्रत्युष दो शब्दों से बना है, प्रति जोड़ पुष, यहाँ यह संधि है तो उसका अर्थ होता है उषा काल, प्रातः काल। इन्होंने कहा है कि हम उन सोए हुए कलियों पर कोमल हाथ मृदुल कर फेर करके उन्हें नींद से जगा दूंगा। इन्होंने आगे लिखा है पुष्प पुष्प से तंद्रावस लाभ सा खींच लूंगा, उन सभी पुष्पों से, सभी फूलों से, जो वैसे फूल जो तंद्रावस आलस्य के मारे वह सोए हुए हैं उनसे, उनके अंदर लालसा, लालसा का अर्थ होता है इच्छाएं, आकांक्षाएं, हमारी चाहत, जो सोने की चाहत, उनकी अलसाने की चाहत जो है उसको उनके अंदर से मैं खींच लूंगा, अपनी नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा। ध्यान दीजिएगा, उन्होंने कहा है अपने नव जीवन का अमृत, अपने नए जीवन से, यहाँ नव जीवन का अर्थ है कि अपनी रचनाओं से उनको सींच दूंगा, उनके अंदर उम्मीदें भर दूंगा, उनके अंदर जोश भर दूंगा, खुशियां भर दूंगा और उन्हें उस तंद्रालस से वापस लाऊंगा। आगे है द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे लिए जहां आनंद अभी न होगा मेरा। उन्हें कहा है कि मैं उन सभी को द्वार दिखाऊंगा, अर्थात जीने की इच्छा जगाऊंगा, आगे बढ़ने की इच्छा जगाऊंगा। यहां कभी इन तमाम बातों को कह रहे हैं और हम आगे देखते हैं कि इस पाठ का जो मेन उद्देश्य है वह हम पूरा कर पाए अथवा नहीं। सूर्यकांत त्रिपाठी की निराला जो इनकी रचना है ध्वनि, उसका सारांश इस तरह से कुछ है कि ध्वनि कविता में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी प्रकृति के बहुत ही सुंदर और अद्भुत दृश्य का वर्णन किए हैं।
इस कविता में उन्होंने प्रकृति की मदद से मानव मन की भावनाओं को दर्शाया है। ध्वनि कविता में कवि निराला जी यह कह रहे हैं कि अभी उनके जीवन का अंत नहीं आया है। क्यों नहीं आया है? कि अभी अभी तो उनके वसंत रूपी यौवन की शुरुआत हुई है। कौन सी रूपी? वसंत रूपी यौवन की शुरुआत हुई है, युवा अवस्था की शुरुआत हुई है, इसलिए उनका अंत अभी नहीं होने वाला है। प्रकृति के बारे में उन्होंने आगे बताया कि हर तरफ जहाँ हरियाली छाई हुई है, सभी पेड़ पौधों पर पुष्प और कलियां खिली हुई है, जो तंद्रावस के मारे सोई हुई है। यहाँ यह कहकर कवि उन दुखी और परेशान लोगों को संबोधित किए हैं, और उन्हीं दुखी और परेशान लोगों के लिए उन्होंने कहा है कि मैं अपनी रचनाओं से उस तंद्रावस पुष्पों पर कोमल हाथ फेर दूंगा, नव जीवन का अमृत उनसे सींच दूंगा। यहाँ कवि कहते हैं अपनी रचनाओं को संबोधित करके उनके अंदर जीने की इच्छाएं आकांक्षाएं भर देंगे। ठीक है, इन्होंने यह भी बताने का प्रयास किया है कि वह तब तक इन रचनाओं को लिखेंगे, इस ध्वनि कविता में वे यही कह रहे हैं कि जब तक वह हर इंसान का दुख दर्द और पीड़ा दूर नहीं कर देंगे, तब तक उनके जीवन का अंत कभी नहीं होगा। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप इस कविता से बहुत सारी बातें सीखे होंगे और एक उमंग एक जोश के साथ इस भर गए होंगे इस कविता के माध्यम से। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।